Is it goes Hey guys, this is Nadir Ali and welcome back to my YouTube channel, In Brothers. So guys, आज मैं आया हूँ Ismail Yusuf College, one of the famous college in Jogeshwari East. Guys, ये जो है Science, Commerce और Arts के लिए बहुत ही ज़्यादा famous है और Cricket का playground के लिए तो बहुत ही ज़्यादा famous है. इनके पास जो ground है, Education Department है, Election Department है, यहाँ पर one of the most important place Jogeshwari East में अगर ये है, तो Ismail Yusuf College है. So guys, आज मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ देखने के लिए मिली है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आज जो है कैसी है. ये ऑलराइट गाइस, जस्ट मैं अभी एंटर हुआ हूं गेट से. ये Ismail Yusuf कॉलेज का सेकंड गेट था जहां से मैंने एंटर किया और वहीं से ये जो है मैदान में जाने का रास्ता है. और आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या हालत है ग्राउंड की. यहीं से सारे ट्रक जो है, टैक्सी और ऑटो रिक्शा, मतलब जो भी मशीन लेके आ रहे थे वो यहीं से एंटर हो रहे थे. यहाँ पर आया और यहाँ पर ग्राउंड की हालत देखा कि यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो ये कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए हैं उसके लिए यूज़ किया गया था ये ग्राउंड. और यहीं से जोगेश्वरी ईस्ट और अंधेरी के लिए मशीन और ड्यूटी और ये सब सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड की गई थी. सो गाइज, अभी ये ग्राउंड की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर क्रिकेट क्या, यहाँ पर कोई जॉगिंग नहीं कर सकता है. कहावत मुझे याद है, जिस देश के अगर मैदान वीरान है तो हॉस्पिटल आबाद होंगे. सो गाइस, अगर आप लोग जो है हॉस्पिटल और फिटनेस ये सब सारी चीज़ का अगर मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं कि अगर हॉस्पिटल नहीं जाना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, तो अपने मैदान और अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखिए. और अगर मैदान अगर ऐसे ही रहेंगे इतने ख़राब तो बीमारी तो होगी ना गाइस. ट्रक देख रहे हो यहाँ पर, मॉर्निंग से इवनिंग तक ये ट्रक आ रही है, सामान लोड कर रही है और जा रही है. और यहाँ पर अभी क्या पता कितने दिन तक ये काम चलते रहेगा और ग्राउंड प्रॉपर हमें मिलेगा या फिर ऐसी छोड़ के चले जाएंगे वो तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा. मैं आप लोग को इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो, या फिर आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग इसका सेकंड पार्ट जो है देखना चाहेंगे कि इसका ग्राउंड का जो है कैसा आफ्टर ये ड्यूटी के बाद में, क्लीन होने के बाद में, ये कैसा लोग ने ग्राउंड छोड़ के गए या बना के गए. अगर आपको देखना है तो कमेंट करिए. जहाँ मैं अभी हूँ ये सेकेंड गेट से एजुकेशन डिपार्टमेंट और इलेक्शन का ऑफिस के वहाँ पर जाने का ये रास्ता है. यहाँ पर शाम के टाइम पे वॉकिंग करते हैं लोग और ये वो मैदान है जिसके बारे में मैंने आप लोग से डिस्कस किया है. अगर आप लोग जो है स्पोर्ट लवर है और ऐसी ग्राउंड रहेगा तो हम कहाँ खेलेंगे. सो गाइज, मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द ये ग्राउंड ठीक करें और एक बार जो है स्पोर्ट लवर्स लोग को सपोर्ट करें. अगर ये हमारे पास अगर ऐसी सिटीज़ में अगर
ग्राउंड ऐसे ही सब रिजर्व होते जाएंगे तो हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, फुटबॉल कहाँ खेलेंगे, फिटनेस पे ध्यान कहाँ देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्सिबल पर्सन से कि आप लोग जो है ये जल्द से जल्द करिए और एक बार हमारे इस्माइल यूसुफ कॉलेज को फिर से अच्छा और जो है यूजफुल बनाइए हमारे लिए, एक सिटी सिटीजन के लिए और जोगेश्वरी ईस्ट के लोगों के लिए। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है इस्माइल यूसुफ कॉलेज का, जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करते हैं उनके लिए इतना बड़ा जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इस कॉलेज ने दिया है, सोचो कॉलेज कितना अच्छा होगा। सो गाइज, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है इस्माइल यूसुफ कॉलेज और आज आप देख सकते हो कि उसकी हालत कैसी है, कैसा मेंटेन करके रखे हुए है और कैसा मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ पर। अभी मैं जहाँ पहुँच रहा हूँ ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर कोई स्कूल या फिर कोई एजुकेशन के रिलेटेड कुछ रहता है तो यहाँ पर जो है यहाँ के स्टाफ मेंबर्स लोग जो है यहाँ पर वर्किंग करते हैं। आप लोग यहाँ पर आके कंप्लेन कर सकते हैं या फिर कुछ भी आप लोग को जो सपोर्ट चाहिए रहता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर ही होता है इस्माइल यूसुफ कॉलेज के। सेकेंड गेट से आप एंटर करोगे तो जस्ट सामने एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर। पीछे जो है ये बॉय हॉस्टल है इस्माइल यूसुफ कॉलेज के। यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल में यहाँ पर एडमिशन के बाद या फिर कुछ प्रोसीजर होता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बॉय हॉस्टल के अंदर। गाइस, सबसे मेन पार्ट इस्माइल यूसुफ कॉलेज का ये है, ये मस्जिद है। ये मस्जिद उनकी है जिनका ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज है, उनके फैमिली मेंबर की। जब ये बिल्ड किया गया था, जब ही यहाँ पर वो मस्जिद जब से बनी गई है, ठीक है, उसके अंदर एक दरगाह है मेरे हिसाब से या मेरी नॉलेज के हिसाब से वो उनकी इनके दादा या फादर की है। वो मस्जिद के अंदर उनको एज अ मतलब उन्हें डेथ के बाद दफनाया गया है। सो अभी मैं वो प्लेस पर हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था ये मस्जिद जो आज भी ओपन है और नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है। और काफ़ी मतलब किसको अगर पढ़ना है और जो है वहाँ पर साइड में प्लेस है, वहाँ पर आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, मैं मेन बिल्डिंग जो मेन कॉलेज है उसके सामने खड़ा हूँ मैं। इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ही निकलते हैं और आगे की चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि इसके अंदर और भी कोई चीज़ है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्ट कट है। We'll be right back.
सो गाइज थैंक यू सो मच आपका एक दिन का एक हिस्सा बनाने के लिए. होप आपको हमारे वीडियोस जो है अच्छे लगते होंगे. तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और बेल का आइकॉन भी आप लोग जो है दबा देना जिससे आप लोग को हमारी वीडियो सबसे पहले मिलते रहे. ऐसी सपोर्ट करते रहिए हमें इन ब्रदर्स को. थैंक यू सो मच गाइज. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे और जाइए जाके हमारे और वीडियोज़ देखिए और सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच.